खबर मैनपुरी से। जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, गिरफ्तारी की मांग। गिरफ्तारी को लेकर अधिवक्तागढ़ पुलिस अधीक्षक से मिले दिया शिकायती पत्र। आरोपी सोशल मीडिया पर पीड़ित अधिवक्ताओं को दे रहा है धमकी। जी हां, बता दें मैनपुरी में बीते 31 मई को टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता विकास नंदन कुलश्रेष्ठ, जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पुत्र कंस प्रसाद के अलावा राकेश बाथम, अनुज यादव उर्फ डब्लू, आज अन्य 4-5 लोग ने घर जाते समय रास्ता रोककर जानलेवा हमला कर दिया था। कहा कि उन्हें बचाने हेतु गोल्डी को भी मार पीट कर घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट पुलिस में दी गई। दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बावजूद भी उसके आरोपी और उसके साथी खुलेआम सत्ता का लाभ उठाते हुए खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे हैं और राजीनामा का दबाव डाल रहे हैं, जिसको लेकर आज जिले के समस्त अधिवक्ता पुलिस अधीक्षक का उनके कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए चेतावनी भी की कि यदि अतिशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो मैनपुरी से निकली चिंगारी पूरे प्रदेश में भड़क उठेगी, आंदोलन की आग लगेगी। गिरफ्तारी को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनिए, आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। काका जी बोले क्या आप अगर 3-4 बार धमकी दे चुके हो मारने की, तो हमने काका जी इसलिए फोन तो नहीं किया क्या, आप उल्टी सीधी बातें करो रिकॉर्डिंग करो। काका बोले ठीक है, हमारे आज 6 साल हो चुके हैं, क्या तो ठीक है मिलके हम लोग, चलो कल परसों बैठते हैं मिलके बात करते हैं। इतनी बात हुई और फोन कट गया, जबकि घटना 1 बजे और वो पट्टा दादा आदत है ना कुछ भी और नेक्स्ट पीछे हो जा आगे मैं जो आ जाए बड़े बूढ़े वाले आप आया हो जवान बड़े बूढ़े भैया। एसपी साहब से मिलने आए, क्या पूरा मामला क्या विवाद रहा है? हमारे टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सक्रिय अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ जी के साथ जिस तरीके से अटैक किया गया है, ऐसा लगता है कि कानून के पुजारी के ऊपर एक हिस्ट्री सीटर अपराधी, मैं तो अपने मुंह से उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उसको मिल रहा है। आपके माध्यम से इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग वेल नोन पर्सन होते हैं कानून के, जिस तरीके का अटैक हुआ है पुलिस ने संघीय धाराओं में मुकदमा लिखा है, आपके माध्यम से प्रशासन से और अभी कप्तान साहब से इस बात को कहा है कि संघीय अपराध का अपराधी लगातार घूम रहा है खुलेआम और वकीलों पर इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहा है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन है। मैं समय रहते प्रशासन से ये मांग करता हूँ संज्ञेय अपराध का अपराधी जेल की सलाखों के अंदर अतिशीघ्र किया जाए, ऐसा ना हो कि पहले तो जिला, फिर टैक्स बार एसोसिएशन और उसके बाद प्रदेश की संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और उसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो अधिवक्ताओं की संस्थाएं हैं वह इस आंदोलन से जुड़ें और मैनपुरी से एक चिंगारी ऐसी उठे जिसमें बहुत सारे नेता जल जाएँ। इससे पहले ऐसा अपराधी जिसने संज्ञेय अपराध किया है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए, इस आशा और उम्मीद के साथ आज पूरे के पूरे जिले का प्रतिनिधित्व आपके सामने है। टैक्सेशन बार एसोसिएशन का प्रांतीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व भी इस आंदोलन में है, इसलिए समय रहते इस अपराधी को जेल भेजा जाए जो लगातार अधिवक्ताओं के खिलाफ मिले हैं और क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? जिले के लोकप्रिय कप्तान हैं, मैंने उनसे पर्सनली भी निवेदन किया है कि ऐसा अपराधी जो संज्ञेय अपराध का मुलजिम है उसको तत्काल जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। आश्वासन सकारात्मक है, किसी भी संघर्ष को एक सिस्टमैटिक तरीके से लड़ा जाता है। धमकी देने की बात आ रही है सामने। निश्चित रूप से अपराधी जब कहीं से संरक्षित होता है, पोषित होता है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है तो इसी तरीके की अहंकार भरी बातें करता है। हमें लोकप्रिय जिला पुलिस कप्तान से ऐसा आश्वासन मिला है कि अतिशीघ्र कार्रवाई होगी और किसी भी आंदोलन की रूपरेखा सिस्टमैटिक तरीके से रखी जाती है। चूंकि टैक्सेशन बार एसोसिएशन के पैड पर और विभिन्न संगठनों के पैड पर हमने अपनी बात को उठाया है, जिला बार एसोसिएशन के सभागार में हम लोग जा रहे हैं, आगे की रूपरेखा तय करेंगे।
समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी। निश्चित रूप से शुभम सिंह को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा। इस बात से वो मुझे गाली गलौज भी फोन पे कर रहे थे और उन्हें रास्ते में मुझे रोका 31 तारीख को जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था और बोले कुछ वार्ता करनी, मैंने शाम को वो कल सुबह करना जब मैं ऑफिस में बात करना मेरे ऑफिस आना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बात करनी है और बात करने के लिए बुलाया उन्होंने मुझे। फिर मैं उनके घर के सामने पहुंचा तो बोले कि एक गोल्डी गौतम है उसको बुलाओ, हमने कि हम फालतू में किसी को नहीं बुला रहे हैं, तो बोले कि तुम उसकी इतनी वकालत क्यों करते हो, तो नहीं वकालत का तो पैसा ही है, तो फिर वकालत के पैसे को गाली देने लगे कि तू बहुत बड़ा वकील बनता है, तेरे पिताजी बहुत बड़े वकील बनते हैं, तुम्हारे जैसे वकील मतलब गाली गलौज पर आए, ये हमारे मित्र हैं गोल्डी गौतम, तब तक ये भी आप वहाँ पर आए और इनको देख के तो इतने आग बबूला हो गए कि SC वाली हजारों गालियाँ दी इनको और इनकी तो मार लगाना शुरू कर दी थी। मैंने जब बीच बचाव किया तो मेरे ऊपर भी हाथापाई करी और मेरे पीछे एक मेरे पड़ोस के लोग थे, मेरा भी वो मोहल्ला ही है एक तरीके से, उनने कहा विकास तुम जाओ जाओ, जैसे मैंने पीछे देखा ऐसे मुड़ के जाने मेरे कैसे धारदार हथियार से बार किया, समझ में नहीं आया, 5-6 टांके आए मेरे, फिर मुझे मैं कोतवाली जाना, पहले कितने लोग थे, 7-8-9 लोग होंगे, 5-6 को तो मैं जानता हूँ उसमें से। FIR हो गई आपकी तरफ से? FIR मैंने बड़ा मुश्किल से करा पाई, हमारे अधिवक्ता समाज ने जब हमारा साथ दिया है तब FIR हुई है, उससे पहले तो FIR भी नहीं हो रही थी। गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी के उपलक्ष्य में ही हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, 31 तारीख का मामला है और आज 6 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक भी बार दबिश तक नहीं दी है पुलिस ने जांच। धमकी काफी दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, अपने लोगों को भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो तुम्हारी उल्टी FIR करा देंगे, क्रॉस केस करा देंगे, मेरे ऊपर SC/ST Act लगाने का। इसमें कोई भाजपा नेता भी शामिल है? बिल्कुल, इसमें भाजपा नेता शुभम सिंह जाटव है, जिला पंचायत सदस्य, जो दल बदलू नेता भी थोड़े बोले जाते हैं, वो इससे पहले बसपा के जिला अध्यक्ष भी रहे, उसका समाजवादी से जिला पंचायत सदस्य रहे, अब वर्तमान में भाजपा में शामिल है और भाजपा को वो बदनाम करने के लिए ही भाजपा में शामिल हुए, मुझे तो ऐसा लगता है वो मंत्री जी को बदनाम करना चाह रहे हैं, उनके नाम से गुंडागर्दी कर रहे हैं, मंत्री जी हमारे सज्जन और मदद वाले व्यक्ति, सबकी मदद करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति मंत्री जी के नाम का गलत प्रयोग कर रहा है।